दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। प्रीवियस क्लासेस में जो यूपी टेट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, उसके मैथ्स का पहला 10 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने सॉल्व किया था और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको किसी भी स्टेट टेट में आ जाए या फिर सी टेट में आ जाए तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। और कुल मिला के यूपी टेट का जो पिछला 10 क्वेश्चन हमने देखा था तो लगभग स्टैंडर्ड क्वेश्चन था कि जब कोई मैथ्स बनाने लगते हैं तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते ही करते हैं। तो आज जो उसका पार्ट टू होगा और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 101। ये क्वेश्चन कहता है इफ़ ओ बी द, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, इफ़ ओ बी द सेंटर ऑफ इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल बी ओ सी 110 डिग्री दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी विल बी। यदि त्रिभुज ए बी सी के अंतः वृत्त का केंद्र ओ हो और एंगल बी ओ सी 110 हो तो एंगल बी ए सी का मान क्या होगा? सबसे पहले इसका हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक इन सर्किल का मतलब होता है जो आपका ये जो इन सेंटर है, इन सेंटर से एक सर्किल बनेगा। तो बाय द वे यहाँ पे इन सेंटर जो बनता है आपको वो इंटरनल एंगल के इंटरनल बायसेक्टर से बनता है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो है आपका है, तो इसको हम ए बोल देते हैं, ए बी सी। ये ओ जो है आपका इन सर्किल इन सेंटर है, ये एंगल जो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 110 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि एंगल बी ए सी ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली करना है कि इसको यदि आप एक थ्योरम भी है कि यदि इंटरनल बायसेक्टर हो तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस बी ए सी बाई 2 होता है। यदि इसका एक्सटर्नल बायसेक्टर हो, यदि इसको बढ़ाने के बाद इसका यदि बायसेक्टर रहे तो उसको जो है हम लोग 90 माइनस बी ए सी बाई 2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे बाय द वे ये जो हम सीधा इसके रिजल्ट पे डिस्कस करते हैं तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस ए बाई 2, ये हमारा आता है। आप यदि इसको लाना चाहें तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, सबको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये एंगल प्लस ये एंगल को लिख सकते हैं 180 माइनस बी ओ सी, वहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं। बाय द वे सीधा रिजल्ट का यूज़ करते हैं, एंगल बी ओ सी 110 डिग्री दिया हुआ है, 90 प्लस ए बाई 2, ये ए जो है आपका बी ए सी ही है, तो यहाँ से आप ए बाई 2 जो है ये 20, तो यहाँ से एंगल ए जो होगा आपको 40 डिग्री निकल जाएगा। तो 101 का जो ऑप्शन आ रहा है वो आपका 4 है, 40 डिग्री इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है इफ 75 इज एडेड इनटू 75% ऑफ ए नंबर गेट्स दैट नंबर, देन दैट नंबर विल बी, वो नंबर क्या होगा? यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या क्या होगी? बेसिकली करना ये चाह रहा है कि 75 जो आ गया आपको ये ऐड कर रहे हैं 3/4 ऑफ ए नंबर, 75% 75/100, तो इसको 3n/4 लिख देते हैं तो वही नंबर। तो यहाँ से सीधा आप कह सकते हैं कि n/4 इज इक्वल टू आपको 75, तो यहीं से n इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 300 मिल जाएगा। ये सीधा क्वेश्चन है, मतलब इसमें 2 से 4 सेकेंड वाला क्वेश्चन था ये कि 75 इज एडेड 75% ऑफ ए नंबर देन गेट्स दैट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। ये कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर अमाउंग, हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ये 3 लिखा हुआ है 2 to the power 50, इसमें से आपको बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा है, 3 to the power 40, 4 to the power 30 एंड 5 to the power 20। वैदिक इस तरह का कंपटीशन हम लोग एक करते थे फ्रैक्शन वाले में, तो उसमें जो क्या होता था तो बेसिकली हम लोग एलसीएम कर लेते थे डिनोमिनेटर का आंसर, तो हर जो होता था डिनोमिनेटर उसका हम लोग
एलसीएम कर लेते थे, और एलसीएम करने के बाद फिर डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद फ्रैक्शन का कंपेरिजन कर देते थे। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह का बात है, लेकिन वहाँ पे एलसीएम कर देते, यहाँ पे हम एससीएफ करेंगे, इसका जो कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो जब एससीएफ निकालना होगा, जो महत्तम समाप्त वर्तक जो होगा इसका 50, 40, 30, 20 का, तो ये आपका हो जाएगा 10, 50, 40, 30, 20 का जो महत्तम समाप्त वर्तक होगा वो होगा 10, एससीएफ 10 होगा। तो बेसिकली इसको करना क्या है, तो जो भी आपका ये है तो 2 to the power 5 whole to the power 10 लिख सकते हैं इसको, इसको 3 to the power 4 whole to the power 10 लिख सकते हैं, 4 cube whole to the power 10 लिख सकते हैं, 5 square whole to the power 10 लिख सकते हैं। अब कंपेरिजन करना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि पावर सबका सेम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 32 whole to the power 10, ये हो जाएगा 81 whole to the power 10, ये हो जाएगा 64 whole to the power 10, ये 25। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट यही है कि ये जो हमारा पावर है उसका हम लोग एससीएफ करते हैं, फ्रैक्शन वाले में हम लोग एलसीएम करके कंपेरिजन करते थे दो नंबर्स, दो फ्रैक्शन के बीच में। यहाँ पे जो है दो नंबर का जो पावर जो है, पावर का एससीएफ निकालने के बाद इस तरह से हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर जो हो गया आपका ये हुआ, और इसका मतलब हो गया ये हो गया, इसका मतलब हो गया ये हो गया। तो 3 to the power 40 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, आंसर इज 4, ठीक है। तो ये आपका 103 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 104, 104 क्या कह रहा है, इफ ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन दैट, और दो एंगल दिया हुआ है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 40 degrees, देन मेजर्स ऑफ एंगल बी ए डी क्या होगा, ठीक है। ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए बी सी डी उसके भीतर एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल ए सी डी 40 degrees दिया हो तो बी ए डी का माप क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक सबसे एक सर्किल है, सर्किल का जो है डायमीटर कह रहा है वो ए बी एक डायमीटर है, ए बी सी डी जो है आप इसका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ड्रॉ कर लिया हमने। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 40 degrees है, ये जो एंगल ए सी डी है ये 40 degrees है। अब देखिए तो पूछ रहा है कि एंगल बी ए डी क्या होगा, एंगल बी ए डी क्या होगा, तो काफी सीधा क्वेश्चन है। देखिए जो एक सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो 90 होता है, यही है बस इसका कंसेप्ट है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 90 जो अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, तो सेमी सर्किल का 90 हो गया, ये 90 + 45 टोटल एंगल का सम हो गया आपका 135, ठीक है। तो अब ये एंगल क्या हो जाएगा, और दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर, दूसरा थ्योरम कहता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका जो आमने सामने का जो एंगल होता है उसका सम 180 होता है। तो यह जब 135 हो गया तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 45। सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 45 degrees हो जाएगा। तो दो कंसेप्ट, एक हुआ कि सेमी सर्किल का जो एंगल होगा 90 होगा, और जो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा उसका जो आमने सामने का जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो वहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, इफ एक कंडीशन दिया हुआ है 0 < x < 5 और y का कंडीशन दिया हुआ है 5 < y = 10, तो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x/y क्या होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x/y क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x/y कब होगा, जब x मैक्सिमम हो, y मिनिमम हो। तो x मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू आप 5 रखेंगे। y मिनिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू भी 5 रखेंगे। तो कुल मिला के इसका जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x/y हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। मतलब x मैक्सिमम y मिनिमम, तभी तो हमारा फ्रैक्शन सबसे बड़ा आएगा,
यदि मिनिमम को बोलता तो मिनिमम के केस में क्या करते, एक्स मिनिमम वाई मैक्सिमम, इस वजह से फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिलेंडर ए हेमिस्फीयर एंड ए कोन इज हैविंग सेम बेस एंड सेम हाइट, देयर एरिया ऑफ कर्व सरफेस आर इन द रेशियो, क्या होगा? कर्व सरफेस का एरिया मांग रहा है, इसका क्या होगा? देखिए क्वेश्चन, अब करा एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है, तीनों का जो बेस सेम है और हाइट भी सेम है। तो यदि इसका रेडियस आर है तो ऑब्वियसली इसका हाइट भी आर हो जाएगा। तो हम सबका केस में इसका आर आर तो ये भी जो हो जाएगा हाइट आर हो जाएगा। तो इसका जो होता है आपको 2πRh, इसका क्या हो जाता है 2πr² इसका एरिया, इसका क्या हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल जो होता है कर्व सरफेस, ठीक है। तो अब एच जो है यहाँ पे सिंस लेंथ ये बेस और हाइट सेम है तो यहाँ इस केस में आर आर ये हो जाएगा, हाइट आर हो गया तो इस केस में भी आर, इस केस में भी आर हमने ले लिया। तो इस केस में एच की जगह हम लोग क्या करते हैं आर पुट कर देते हैं, आर 2πr², ये जो है 2πr² ठीक ही है, और पाया इंटू आर इंटू एल, इस ये जो केस है आपका तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा r² + r² उसका रूट ओवर, मतलब ये हो गया √2 × r। तो एल के जगह पे हम लोग लिख देते हैं √2 × r। अब देखिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:2:2:2, इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो √2:√2:1, यही आपके ऑप्शन में है। ये 106 का जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है उसमें √2:√2:1 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 में चलते हैं। ये एकदम फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट इजी आया हुआ है कुल मिला के, जो कहिएगा किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा इस तरह की कोई बात है नहीं। यदि आप एक बार मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो कुछ डीप में कुछ नहीं है, जस्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन दिया गया है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 107 नंबर क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 15% लॉस एंड 15% गेन इज 450, देन द कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कह रहा है कि 15% लॉस एक बार आप 15% प्रॉफिट में होता है, एक बार ये होता है, तो जो कॉस्ट प्राइस ये लॉस में ये तो उसमें डिफरेंस हो जाता है वो आपका हो जाता है कितना 450। तो क्लियरली आप कह सकते हैं 15% ये और डिफरेंस है 450, तो सीधा ऐसा कर देते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 30% इज इक्वल टू 450। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस जो है आपको क्लियरली यहाँ से 1500 रुपये निकल जाएगा। ये आपका ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है, ऑप्शन नंबर 4, 107 का जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको 1500 रुपये है। तो 15% लॉस और 15% गेन का डिफरेंस 450 है, तो दोनों को हम एक बार ही 30% करके कॉस्ट प्राइस में 30% इज इक्वल टू 450 कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 108। ये कह रहा है कि इफ ट्रेंगल ए बी सी एंड एसोसेल्स ट्रेंगल सच डेट एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, देन द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ट्रेंगल ए बी सी। अब कोई इससे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि यदि ए बी सी एक 90 डिग्री यहाँ पे है, ट्रेंगल है, और ये इक्वल टू ये है, तो कह रहा है कि क्या इक्वेशन है। यहीं से आप ये तो पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता होता है, और इस केस में क्या है कि ए बी इक्वल टू बी सी है, तो ए बी की जगह बी सी रख दी जाती है। हमारा ऑप्शन जो है ये देखिए ए सी इक्वल 2ab², बी सी की जगह हम ए बी रख देते हैं तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab², यही आपका जो है क्वेश्चन है, और ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू 2ab² बोल सकते हैं या ए सी इज इक्वल टू 2bc². तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग है, आप
आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे देखते हैं क्या कर रहा है। कर इफ ए मैन कवर्स 4/5 पार्ट ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इन एम मिनट्स एट द सेम रेट हाउ मेनी मिनट डज ही टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द इंटायर ट्रैक। कर एक 4/5 ऑफ द ट्रैक लगाने में जो है समय लगता है एम मिनट्स, तो पूरा रिवोल्यूशन लगाने में कितना, तो सीधा क्वेश्चन है 4/5 ऑफ द ट्रैक लगाने में समय लगता है एम मिनट्स। यदि एम मिनट्स लगता है 4/5 ऑफ द ट्रैक, तो फुल ट्रैक को क्या लग जाएगा 5m/4 इतना मिनट्स। तो एक रिवोल्यूशन लगाने में, फुल ट्रैक को रिवोल्यूशन लगाने में कितना समय लग जाएगा, तो 5m/4। 109 का जो है चार नंबर जो है ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2z, तो इसका वैल्यू बताना है एक्स बाई एक्स माइनस जेड प्लस जेड बाई वाई माइनस जेड। ठीक है, ये जब आप अलजेब्रा सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा बुक में, जो कोई बुक फॉलो करे। ये देखिए यहाँ से इसको सीधा सीधी x माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड लिख देते हैं, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको कह रहा है इसको सॉल्व करना है, तो x बाय x माइनस जेड रख दिए प्लस जेड बाय वाई माइनस जेड को रिप्लेस कर देते हैं माइनस x माइनस जेड से, ये माइनस को सीधा लिख देते हैं यहाँ पे और आसान हो जाएगा। x माइनस जेड ऊपर में हो गया x माइनस जेड, कैंसिल आउट करके आंसर इज 1। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर 4 ये आ जाएगा 1। तो आपने देखा कि सब मोस्टली क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, और जब आप कोई भी बुक का जब चैप्टर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे इस तरह के। तो कोई डीप में कुछ डिस्कस नहीं है, बस ऊपर एक फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा लॉजिक लगाना है, उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकी का 10 क्वेश्चन जो होगा। और कुल मिला के सीटेट यूपीटेट या किसी भी स्टेट का एक ही तरह का आता है, जिसको यदि आप कर लेते हैं तो आपको कुल मिला के पता चल जाएगा कि बाकी सारे एग्जामिनेशन में भी किस तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।